किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में केवल तीन ही लोग थे, पति पत्नी और उनकी 5 महीने की बेटी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शहर में लॉकडाउन था। इस गरीब परिवार में माँ नर्स थी और छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी, पिता एक मजदूर। जैसे तैसे जिंदगी निकल रही थी। अचानक पता चला मरीजों की देखरेख करते करते इस नर्स को भी वायरस इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए उसे तुरंत एडमिट कर दिया गया है। जब ये खबर घर आई तो बहुत चिंता होने लगी। नर्स का नाम ज्योति, पति का नाम रमेश और उनकी बेटी का नाम स्वाति था। ज्योति ने अपनी बेटी का चेहरा भी 1 महीने से नहीं देखा था। इतनी छोटी उम्र में तो शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन यहाँ इस परिस्थिति में वो संभव नहीं था। गाय का ही दूध संभव था, इसलिए रमेश अपनी बेटी के लिए अड़ोस पड़ोस से जैसे तैसे कुछ न कुछ इंतजाम कर लेता। लेकिन 5 दिन बाद कहीं पर भी दूध नहीं मिल रहा था। रमेश बहुत ही ज्यादा चिंतित था, ये सोचकर कि मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन 5 महीने की बच्ची को कैसे भूखा रख सकता हूँ। एक दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अगले दिन अपनी बेटी को सुलाकर पूरी एहतियात के साथ घर से निकला और अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं पर भी दूध नहीं मिला। वो इधर उधर भटक ही रहा था कि सामने उसे एक 5-स्टार होटल दिखी। अंदर सिर्फ मालिक और कर्मचारी थे, एंट्री तो किसी को नहीं थी। उसने बाहर से आवाज लगाई, साहब मेरी बेटी 5 महीने की है, उसे दूध पिलाना है, यदि आपके पास हो तो प्लीज दे दीजिए। होटल मालिक ने पहले मना कर दिया कि भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और तुम भी बाहर मत निकलो, घर जाओ। शायद उसको भरोसा नहीं हो रहा था। फिर रमेश ने स्वाति की फोटो दिखाई और पूरी कहानी बताई। मालिक ने कहा दूध तो है लेकिन 150 रुपए लगेंगे। रमेश के पास सिर्फ 200 रुपए थे और इन पैसों में न जाने कितने दिन और काम चलाना था उसे। उसने सोचा फिलहाल आज दूध मिल जाए वही बड़ी बात है, कल का कल देखेंगे। एक दिन जैसे तैसे निकला, पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि अब घर में सिर्फ 50 रुपए और घर पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। करे तो करे क्या। अगली सुबह अपनी बेटी को सुलाकर पूरी एहतियात के साथ फिर बेटी के लिए दूध की खोज में निकला। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वही 5-स्टार होटल का दरवाजा खटखटाया, फिर मालिक बाहर आया। इस बार रमेश बोला, साहब मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, प्लीज दूध दे दीजिए। मालिक ने फटकार लगाकर बिना कुछ दिए भगा दिया। रमेश निराश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में चलते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ऊपर वाले, आज एक बाप तुझसे भीख मांग रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी सी चाय बिस्कुट की दुकान खुली थी। दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि कुछ पुलिस वाले वहां चाय पी रहे हैं। पहले तो उसे डर लगा कि लॉकडाउन में बाहर निकला हो कहीं धुलाई ना हो जाए और हिरासत में ले लिया तो घर पर बेटी अकेली है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गया और बोला, साहब मुझे मदद चाहिए। चाय वाला बोला, भैया लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको पता नहीं क्या। रमेश बोला, भैया मुझे थोड़ा दूध चाहिए था इसलिए इधर उधर भटक रहा हूँ। चाय वाला बोला, देखिए भैया ये चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए बन रही है, ये दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, इसलिए पूरे नियमों का पालन करके इन्हें चाय पिला रहा हूँ, बाकी किसी के लिए भी इधर एंट्री नहीं है। आंखों में आंसुओं के साथ रमेश बोला, भैया एक बाप आप सबसे भीख मांगता है, मेरी 5 महीने की बेटी घर पर अकेली है, उसकी माँ नर्स है और उसको भी वायरस इन्फेक्शन हो गया है इसलिए एडमिट कर दिया है, बच्ची को दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं है। इतना सुनते ही चाय वाले की आंखों से आंसू बहने लग गए। वहां जो पुलिस वाले चाय पी रहे थे सब के सब खड़े हो गए। चाय वाला पुलिस वाले को बोला, साहब आपको जो एक्शन लेना है, केस करना है, मुझ पर कर दीजिए, इसे जाने दीजिए। पुलिस वाले देख रहे थे और इधर चाय वाले ने फटाफट 2 लीटर दूध पैक किया और रमेश के हाथ में थमा दिया। रमेश बोला, भैया मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, ये ले लीजिए, बाद में जब पैसे आएंगे दे दूंगा। चाय वाले ने पूछा, सिर्फ 50 रुपए, मतलब तूने तो खाना भी नहीं खाया होगा। रमेश के आंखों से आंसू बहने लगे। चाय वाले ने तुरंत बिस्कुट के साथ खाने का कुछ सामान दिया और बोला, जाओ ये ले जाओ और अब घर से बाहर मत निकलना, और हाँ जब ये दूध खत्म हो जाए तो फोन कर देना, मैं देने आ जाऊंगा। रमेश धन्यवाद देकर जैसे ही जाने लगा तो पुलिस वाले ने रोक दिया और कहा, रुक जा 1 मिनट, तूने लॉकडाउन का नियम तोड़ा है, ऐसे नहीं जाने देंगे। पुलिस वाला अपनी पुलिस जीप में से कुछ लेकर आया। रमेश को लगा शायद केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस वाले ने अपने पर्स से 500 रुपए निकाले और रमेश के हाथ में थमा दिए और बोला, रख लो काम आएंगे। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। रमेश फिर से चाय वाले को बोला कि आप प्लीज ये 50 रुपए तो रख लीजिए,
चाय वाला बोला, ये दूध तुम्हारी 5 महीने की बेटी के लिए है, वो तो भगवान का रूप है और भगवान को दूध पिलाने का अवसर बार बार नहीं आता, ये पुण्य मुझे कमाने दो। तभी पुलिस वाला बोला, अभी घर से बाहर मत निकलना, 2 दिन बाद दूध खत्म हो जाए तो ये लो मेरा फोन नंबर, फोन करना, मैं देने आ जाऊंगा। पुलिस वाला आगे बोला, आपकी पत्नी के आगे तो हम कुछ भी नहीं, वो सच में एक योद्धा है। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखते, ये जो मदद कर रहे हैं वो इंसान के रूप में भगवान ही तो है। रमेश घर पर पहुंचा और खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटी को दूध पिलाया। दोस्तों, अब आप सभी से एक प्रश्न है कि वास्तव में अमीर कौन था, 5-स्टार होटल का मालिक या वो चाय वाला और अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस वाले? सोचिए और अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जहाँ तक संभव हो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। शुक्र कीजिए ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।